आशा, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? खतरा है। तो क्या किया जाए? निकल जाओ, लेकिन टाइगर भाई के टच में रहना। जाए कहाँ? एक आदमी और आया था, पूछ रहा था तेरे को रे। कौन? क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था, धंधा बंद करके काय को चला गया। आदमी कौन था? मैंने पूछा नहीं, पन अजीब तरह से घर को देख रहा था। अंदर चला गया रे वो, वासी के कमरे को देखने लगा, अलमारी खोलकर देखने लगा, सारा सामान लट गया उसने, और मालूम तेरे को? उसने दस्तरखान पर पैर रख दिया, बिस्तर उलट दिया। तू अगली बार आए मेरे बारे में पूछे, कुछ मत बोलना। तू कुछ कुछ मत बोलना। खुद हाफिज। साले ड्रेस वाले मेरे घर भी पहुंच गए। टाइगर भाई को फोन लगाना। लगा तो रहा है, लगे तब ना। भैया आपका ट्रंक कॉल नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। अच्छा, कहीं सब लोग निकल ना गए हो पाकिस्तान। ए, अनवर को फोन करके आना। कहाँ लगा, उधर होटल में कोई आया नहीं। चिकना कुछ पता नहीं चल रहा, टाइगर भाई का कॉल नहीं लगता, उधर माँ परेशान है। क्या करें, मैं ऐसे टेंशन में नहीं रह सकता यार। तू सोचता ज्यादा है। क्या करूं, सोचू नहीं तो क्या करूं है? उधर मालूम है ना बॉम्बे में क्या है, हम लोग को पता नहीं क्या करना है। तू सो जा। मैं सोचता हूँ ना, मैं जाके पुलिस में जमा हो बादशाह खान। खोलो उसको। आज को बॉम्बे में थे। कहाँ प्लान बनाया गया था? तुम्हें मालूम है कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने गई? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी छिप जाएंगे। मैंने कुछ नहीं। चढ़ा
खबरदार मेरे सामने झूठ बोला तो। वो फाइल देख रहे हो, सबके बयान है उसमें। इम्तियाज गवाते, असगर मुकादम, शोएब, मुश्ताक, अब तू मुंह खोलता है मैं खुलवाऊं, तू मुंह खोलता है मैं खुलवाऊं। मैं टाइगर भाई के साथ काम, यहां कोई भाई भाई नहीं होता, नाम बोलना। टाइगर मेमन। बाबरी मस्जिद गिराई, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा, हमारी औरतों की आबरू लूटी, हमारी कौम को जितना नुकसान पहुंचाया किसी ना किसी को तो बदला लेना था। टाइगर भाई अकेला टाइगर था हमारी कौम में, उसने प्लान बनाया, हम सबको इकट्ठा किया, सबको बदला चाहिए था, जहाद था हमारा ये। अगर ये ब्लास्ट नहीं होता तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाता इस देश में। बाबरी मस्जिद इतनी कमजोर नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं, बम नहीं, भाले मार मार के गिरा दिया, आप यकीन कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। उसके बाद हमको मारा, सड़कों पे खुलेआम जलाया हमको, इतने छोटे छोटे बच्चों को गोली मारी। प्लान कहां बनाया था? मुझे नहीं मालूम। किसने प्लान बनाया था? पैसे किसके थे? कौन कौन था? सब मैंने किया था अकेले, मार दो गोली, और पैसों के लिए नहीं किया था। अल्लाह हमारे साथ में था, इसलिए हम काफिरों के साथ जंग में जीते, उसका साया हमारे सर पे था। इस बार अल्लाह हमारे साथ था। मजाक कर रहे हो साहब? कितने सौ को मारा हमने, मुसलमान भाइयों के खून का बदला लिया हमने। बकवास कर रहे हो तुम, अल्लाह कभी बेगुनाहों को नहीं मारता, हर सच्चे आदमी के साथ अल्लाह होता है, उनका भी वही भगवान होता है, वो फर्क नहीं करता। फर्क तुम लोग करते हो सालों, और इस बार अल्लाह हमारे साथ था। हमारे साथ था इसलिए तुम्हें वो मारुति वैन वहां छोड़नी पड़ी, हमारे साथ था इसलिए दो महीनों में हमने 200 गिरफ्तारियां की। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो तुम यहां नहीं होते, हमें कोई सबूत नहीं मिलता। तुम्हारे साथ था टाइगर मेमन, जिसने तुम्हारे गुस्से का फायदा उठाया, पहला बम लगने से पहले यहां से निकल लिया अपने परिवार को लेकर, छोड़ गया तुम्हें भुगतने, डंडा खाने। उसने तुम लोगों को चूतिया बनाया, चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम चूतिए हो, धर्म के नाम पर चूतिए बन गए तुम लोग, और बनते रहोगे, तुम बनते रहोगे। तुम्हें मारने वाला हर वो हिंदू बनता रहेगा, हर वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने को, धर्म के नाम पर चूतिया बनता रहेगा। और तुम लोगों की वजह से हम पुलिस वालों को कभी कभी बेगुनाहों को मारना पड़ता है, तुम्हारी वजह से रात रात भर जागना पड़ता है। किसको? हमको, हमको साले, हमको। ले जाओ उसको।